नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। 24 मार्च AFP नॉर्वे के तट के पास समुद्री लहरों में फंसा क्रूज जहाज रविवार को तट पर पहुंच गया। इससे पहले बचाव अभियान के तहत जहाज में फंसे सैकड़ों यात्रियों को हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थान लाया गया था। टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में यह नजर आ रहा है कि यह जहाज शाम करीब 4:15 बजे टगबोट्स के साथ मोल्डे बंदरगाह पहुंचा। वाइकिंग स्काई नामक जहाज के इंजनों ने शनिवार दोपहर काम करना बंद कर दिया, जिससे उसने संतुलन खो दिया। इसके बाद कैप्टन ने मदद के लिए आपात संदेश भेजा। अधिकारियों ने घटना की जानकारी मिलते ही हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बाहर निकालने की ठानी। रविवार सुबह तक जहाज के चालक दल के सदस्य उसके 4 में से 3 इंजन चालू करने में कामयाब रहे। जहाज धीरे धीरे चलते हुए बंदरगाह तक पहुंचा। पुलिस ने बताया कि जहाज में सवार 1373 लोगों में से 460 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल लिया है। प्रत्येक हेलीकॉप्टर एक बार में 15 से 20 लोगों को ही निकाल सकता है। आपात सेवा के प्रवक्ता पर जेल ने कहा कि रविवार तड़के तक हवाई मार्ग के जरिए लोगों को निकालना जारी था। पुलिस ने बताया कि 17 लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया है। AFP निहारिका सुरभि, प्रशांत।